कर दिए क्या लाइव बैठे थोड़ा डाउन कर लो हेलो 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग सभी को मेरा गुड इवनिंग नमस्कार एक बार चेक करिए एम आई ऑडिबल और नॉट ऑडियो आ रहा है प्रॉपर तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग आप सभी को नमस्कार क्या ऑडियो आप लोग सुन पा रहे हो प्रॉपर ऑडियो आ रहा है प्रॉपर वे में ठीक है आज का ये क्लास यूट्यूब और ऐप दोनों में लाइव है ठीक है आप लोगों का दो क्लास आज और कल का क्लास और चलेगा यूट्यूब में देन सारे क्लासेस आपका एप में चलेगा राइट मेरा एक ही क्लास हो पाया था इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज का क्लास और कल का क्लास भी मेरा ऐप में ऐप और यूट्यूब दोनों में आ, बच्चों को एक्सेस दिया जाए मतलब रखा जाए बच्चों के बीच में तो ये जो क्लास है आज का और कल का दोनों जो है यूट्यूब में दो दिन और चलेगा उसके बाद सारे क्लासेस जो है ना ऐप में ही चलेगा ठीक है जो बच्चे अभी तक जो बच्चे अभी तक कोर्स को परचेस नहीं किए हैं उन लोग गूगल प्ले स्टोर में जाकर के एक्सीलेंट विजन का ऑनलाइन क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए एक्सीलेंट विजन ऑनलाइन क्लासेस का गूगल पे स्टोर में जाकर के और वहीं से कोर्स को परचेस कर सकते हैं कोर्स का प्राइस है टू नाइनटी नाइन नाएं रुपीज जो कि आपका एक प्रैक्टिस बैच है ठीक है प्रैक्टिस बैच ही ज्वाइन करिएगा वहां से कंट्रोल करो हाँ चलिए वहां से ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लो तो एक बार सभी बच्चे मुझे बता देंगे क्या ऑडियो वीडियो सब ठीक है क्या आप लोग सुन पा रहे हो क्या आयुष अभी आ, सब्जेक्ट वाइज में पावर सिस्टम मैंने नहीं पढ़ाया और बढ़ रहा है उसको डाउन करो डाउन ठीक है ना तो चलिए आज का जो लेक्चर है मैं आप लोगों को बता देता हूं इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो लेक्चर नंबर टू है इसमें चैप्टर नंबर टू मैं आप लोगों को जस्ट पढ़ाने वाला हूँ ठीक है चैप्टर नंबर वन यूनिट एंड डायमेंशन हो गया है आप लोग क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर रहे थे तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की उसमें नीड नहीं है मेन हम लोग यहाँ पे चलते हैं चैप्टर नंबर टू पे लेक्चर नंबर टू चैप्टर नंबर टू भी बोल सकते हो इस चैप्टर का नाम मैंने रखा है बेसिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस चैप्टर का जो नाम है वो है बेसिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स पढ़ाने वाला हूँ ठीक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स पढ़ाने वाला हूँ तो आज कंप्लीटली आप लोग को बेसिक पढ़ाऊंगा तो आप सभी लोग एकदम रेडी हो क्या बेसिक्स पढ़ने के लिए एक बार या ना में मुझे आप लोग आंसर दे दीजिएगा बोर्ड का बैकग्राउंड बेटा एक्चुअली क्या है पीपीटी जो है ब्लैक बैकग्राउंड में बना है तो अभी रेंडमली मुझे चेंज करते नहीं बनेगा ठीक है कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीजें जो है हाँ, यहां से थोड़ा सा ब्राइटनेस का अभी तो ठीक आ रहा है ना ब्राइटनेस चेक कर लो ब्राइटनेस सही आ रहा है ना अभी चलो सो स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर आज के लेक्चर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेशन से कि भाई डेफिनेशन क्या होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है ये देखने वाले हैं

डायनेमोमीटर में कौन से इफेक्ट लगता है ये सारे चीजें आपको जानना है आज के बेसिक क्लास में राइट right? उसके बाद टॉर्क कितने प्रकार के होते हैं जैसे कि बेसिक क्लास में मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगा कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कितने प्रकार के टॉर्क की रिक्वायरमेंट होता है और उन सारे टॉर्क को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इन सब के बारे में बातें करूंगा तो ये टॉर्क का डेफिनेशन आप लोग पूरा देखोगे उसके बाद लास्ट में यहाँ पे पांचवा चौथा पॉइंट के बाद ये पांचवा वाला देखोगे ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या होता है

और इसी वे में इसी सीक्वेंस में आज का सिलेबस जो है कंटिन्यूअसली चलेगा ओके आप लोग इफ पॉसिबल तो नोट्स बनाते रहिएगा बच्चों इफ पॉसिबल तो आप लोग नोट्स जो है बनाते रहिएगा ठीक है ना नोट्स जो है आप लोग बनाते रहिएगा तो सबसे पहले यहां पे आता है आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे पहला आपके पास आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये आपका हेडिंग है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी द इंस्ट्रूमेंट द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्टूडेंट द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर यूज टू मेजर द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ऑल फिजिकल क्वांटिटी ऑल फिजिकल quantity all physical quantity is known as is known as quantity is known as measuring instrument is known as measuring instrument. मतलब मैंने ये नहीं बोला अभी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की बात नहीं किया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे उस इंस्ट्रूमेंट को आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलोगे जैसे कि आपके पास हो सकता है जैसे कि आप टेम्परेचर को मेजरमेंट करना चाहते हो तो वहां पे आप टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के केल्विन लिए केल्विन स्केल यूज कर लो है ना डिग्री सेल्सियस इसके लिए यूज कर लो जैसे कि को कोई कोई प्रेशर को मेजरमेंट करना चाहता है तो दाब मापी यूज कर लो प्रेशर आप लोग को मेजरमेंट करने के लिए दाब मापी यूज कर लो कोई वोल्टेज को मेजरमेंट करना चाहते तो वोल्ट मीटर यूज कर लो कोई एनर्जी को मेजरमेंट करना चाहता है तो एनर्जी मीटर यूज कर लो मतलब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो तो उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ठीक बात बहुत सारे एग्जांपल इसमें दे सकते हो सर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है यदि हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे उसको हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे तो यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए या फिर द इंस्ट्रूमेंट यूज द इंस्ट्रूमेंट द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फॉर मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इक लाइक वोल्टेज लाइक वोल्टेज करेंट लाइक वोल्टेज करेंट पावर लाइक वोल्टेज करेंट पावर एनर्जी एनर्जी पावर फैक्टर एक्सेट्रा यार इज नोन एस इज नोन एस इज नोन एस इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एस इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब यदि हम कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए यूज करना चाहते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज यदि हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करेंगे तो ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो उसको आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हो और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को यूज करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो उसको आप इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो एग्री क्या यहां तक क्लियर है यार बैकग्राउंड को ठीक कर दो यार बैकग्राउंड इतना खराब क्यों आ रहा है इसके कलर है क्या ब्लू ब्लू एक बार चेक करिएगा इतना गंदा क्यों आ रहा है बैकग्राउंड कहीं कंट्रोल थोड़ा कुछ ब्लैक में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्या ब्लैक वाले को ब्राइटनेस वगैरह को कम ज्यादा ओबीएस से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्या कुछ ज्यादा ही आ रहा है बैकग्राउंड में चका बच्चों को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है वेडो वेडो ये चीजों से चलो पढ़ाई में फोकस करो तो हट जाएगा ठीक है मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम से ब्लैक बैकग्राउंड नहीं रखूंगा दूसरा टाइप का बैकग्राउंड रखूंगा ताकि आप लोगों को जो है ज्यादा शेडो वगैरह में दिक्कत ना हो ठीक है ग्रीन बैकग्राउंड पीडीएफ जो है ना थोड़ा सा यार इसको थोड़ा और ओबीएस से करो ना कंट्रोल ओबीएस से इफेक्ट थोड़ा तुरंत दिखता है कि लेट से दिखता है करो करो आगे पीछे करो एकदम दिखना चाहिए इफेक्ट हाँ और करो फेस चलेगा बोर्ड को सही करो मेरा फेस चलेगा ठीक चलो चलो ओके सो so, यहां पे हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन देख लिया अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन यदि करना चाहे बैकग्राउंड को चेंज मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि जो भी बैकग्राउंड में पीपीटी चल रहा है वो ब्लैक कलर में चल रहा है तो अभी तुरंत वो चेंज नहीं होगा राइट ना इसलिए जो बैकग्राउंड ऑलरेडी मेरा जो ब्लैक कलर अभी यहां पे मैंने सेट किया है उसी बेसिस पे सारा चीजें चलेगा बेटा थोड़ा सा आज बस कॉपरेट कर लो ठीक है चलो यहां पे अब हम लोग देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो दो तरीके से क्लासिफाइड होता है एक आपके पास होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एक आपके पास होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट फिर से हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं जिसमें से पहला आता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट दूसरा हमारा होता है डिजिटल अब एनालॉग दो प्रकार का होता है एक तो डिफ्लेक्टिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है एक नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है अब डिफ्लेक्टिंग को तीन तरीके से करोगे जिसमें इंडिकेटिंग आएगा इंटीग्रेटिंग आएगा और रिकॉर्डिंग आएगा अरे बात समझ में रिकॉर्डिंग आएगा तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पे कितने प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी सेकेंडरी को एनालॉग और डिजिटल फिर यहां पे हम लोग देख सकते हैं एनालॉग और डिजिटल एनालॉग को मैंने दो तरीके से किया एक डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट एक नल टाइप इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट फिर इंडिकेटिंग में मैंने कर दिया डिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्टिंग को reflecting को इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में मैंने क्लासीफाइ कर दिया इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफाइड कर दिया और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफाई कर, कर दिया तो यहां पे आप बात करते हो क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हो तो इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है ओके okay? क्लियर हो गया यहां तक क्लियर हो गया हाँ अभी परफेक्ट रहा नहीं दो तो थोड़ा सा ना और थोड़ा और कर देखो रेड कलर एकदम से हो, हो रहा है आगे पीछे सब को कर कर के देखते रहो फटाफट ब्लैक तो पहले सही आता था आज क्या हो गया ठीक है यार चलेगा जाने दो चलेगा

इज डिस्टर्बेंस होते रहेगा अदरवाइज डिस्टर्बेंस होते रहेगा तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैंने दो चीजें आपको बताया बच्चों यहाँ पे पहला पॉइंट ये बताया कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसको बोला जाता है यदि किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे उसको इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में क्या क्या को मेजर कर सकते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होता है जैसे कि वोल्टेज होता है करंट होता है पावर होता है एनर्जी होता है पावर फैक्टर होता है बहुत से चीजें फ्लक्स मीटर होता है एवरीथिंग ना तो जिस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल देंगे उसके बाद मैंने बोला कि भाई हम क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ का यूज करें क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपका दो प्रकार से क्लासिफाइड होता है एक एप्सिल्यूट होता है एक आपका सेकेंडरी होता है फिर सेकेंडरी को हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं तो तो एक एक एनालॉग एनालॉग होता 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 है एक होता है है डिजिटल इन सब का डिटेलिंग अभी करेंगे फिर की मैं बात करूं तो ये मेरे पास डिफ्लेक्टिंग और ये मेरे पास होता है नल ओके okay? उसके बाद डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है इंटीग्रेटिंग होता है और रिकॉर्डिंग होता है क्या यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया क्या यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया एक बार बताएंगे सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया या सुनो या सन्नो तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब इसका डिटेलिंग हम लोग करना स्टार्ट करते हैं कि ये सारे चीजें क्या क्या होता है राइट ना चलिए अब फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपके पास आता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट किसको बोला जाता है इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट ठीक है देखो एपल्यूट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है पहली बात फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को एप्सुल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं तो इट इज एन इट इट इज इज अ या एन इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ये एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब ये किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं करता पहला पॉइंट आपको पूछा जाता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि यह एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है मतलब यह किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं करता इनडायरेक्टली मेजर करता इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इट मेजर द इट मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इट मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इन Terms of meter constant. ये meter constant के में किसी भी electrical quantity को measure करता है। in terms of meter constant. तो पहली बात इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट दूसरी बात इट मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर कॉन्स्टेंट यह किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डायरेक्ट मेजर ना करके मीटर कॉन्स्टेंट के टर्म में मेजर करता है जैसे कि जैसे कि मान लो कोई गैल्वेनोमीटर है तो आपने कोई किसी भी वीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का यूज किया है तो वो ये नहीं बताता है कि वीट स्टोन ब्रिज में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो ये बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है बस डिफ्लेक्शन करके आपको बता देगा यदि गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब करेंट फ्लो हो रहा है लेकिन ये कहां बताता है गेलवेनोमीटर की कितना करेंट फ्लो हो रहा है खाली इंडिकेशन के फॉर्म में आपको बताता है कि यस करेंट फ्लो हो रहा है तो वो डिफ्लेक्ट करेगा और यदि नहीं हो रहा है तो नहीं करेगा तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तीसरी बात कि बातल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है एप्सल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है कैसे सर क्योंकि इसको मेजर तो करना नहीं है कि दस एम्पियर फ्लो हो रहा है कि ग्यारह एम्पियर फ्लो हो रहा है कि बारह एम्पियर फ्लो हो रहा है कि फ्लो हो रहा है उसको तो मेजर नहीं करना है इसको क्या करना रहता है इसको केवल मीटर के टर्म में किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करना है मतलब बस इसको ये बताना रहता है कि करेंट फ्लो हो रहा है कि नहीं या फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है या सो नो में आंसर देना है मान के चलिए इसको कभी भी ये मेजर नहीं करना है कि कितना एम्पियर करेंट फ्लो हो रहा है

इसी कारण दैट्स वाई दैट्स वाई दिस इंस्ट्रूमेंट दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन द दिस इंस्ट्रूमेंट दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन द लेबोरेटरी टू कैलिब्रेट टू कैलिब्रेट अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट कर, इस इस करने के लिए यूज कर सकते, का मतलब समझते हो, इसको हम क्या सकते हैं टू कैलिब्रेट अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को हमको बनाना है तो उसके स्केल वगैरह को इससे हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं इसको क्या के रेफरेंस मान के ठीक है तो इसमें चार पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि एप्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होता है सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है है कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है, वो आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है मतलब ये मेजर करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मीटर कांस्टेंट के टर्म में दूसरा ये हाईली एक्यूरेट होता है हाईली एक्यूरेट होने के कारण ही हम इस इंस्ट्रूमेंट को लेबोरेटरी में यूज करते हैं टू कैलिब्रेट अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है हम कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसको इस स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ तुलना करना या कंपेरिजन करना उसको कैलिब्रेशन बोला जाता है राइट जैसे कि आपको एक किलो का कुछ बनाना हो एक किलो वजन का कुछ बनाना हो तो एक किलो का एक रेफरेंस वैल्यू होगा उससे कंपेरिजन करके बनाओगे ना तो उसको इसी इंस्ट्रूमेंट को एज ए कंपेरिजन के लिए आप रेफरेंस ले सकते हो ठीक ये होता है कैलिब्रेशन आगे समझ में आगे बात समझ में तो ये इतना चीजें आप लोगों को यहां पे जानना था कि भाई हमारे पास जो एप्सल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है वो कितने प्रकार के होते हैं तो एप्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होता है इतने प्रकार एप्सोल्यूट uh, इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो क्या इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है और ये जो है कैसे काम करता है वो आपको जानना था अब इसका एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल जस्ट जस बता देना कि भैया इसमें से टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है और जो आपका एक रिलेग करेंट बैलेंस जो मीटर होता है ये दोनों एप्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है

ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट यहां पे दिख रहा है आपकी स्क्रीन में इसको हम बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ठीक है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ये आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको यहां पे दिख रहा है यही आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है और ये आपका दूसरा जो दिख रहा है यहां पे यही आपके पास क्या है रिलेग करेंट बैलेंस मीटर है ये आपका रिलेग करेंट बैलेंस ये नाम पे रखा गया है इसका नाम रिले करेंट बैलेंस मीटर ये दोनों इंस्ट्रूमेंट है ठीक है ना बस इसमें इंडिकेशन आता है इसमें बस इंडिकेशन आता है मेजर नहीं करते किसी भी क्वांटिटी को बस इसके पॉइंटर में इंडिकेशन आता है ये मीटर कांस्टेंट के टर्म में वैल्यू को इंडिकेट करके बताता है आपको और कुछ नहीं है क्या यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया आशीष कुमार इफ पॉसिबल तो यूट्यूब में देख लो क्योंकि हम वॉइस को कल से ठीक कर देंगे यदि कोई इशू होगा तो हम ठीक कर लेंगे ठीक है ओके अभी आप लोग देख लो बेटा चलो यहां तक क्लियर हो गया सभी को एक बार मुझे बता देंगे आगे बढ़ते हैं फिर तो एप्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट किसको बोला जाता है एप्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मीटर कॉन्स्टेंट के टर्म में मेजर करता मे है राइट तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इंस्ट्रूमेंट जो होता है, वो है। इसी कारण, मैंने बताया, इसी कारण, किसी कैलिब्रेट करने के लिए या फिर तुलना करने के लिए आगे बात समझ में सर इसके एग्जाम्पल बता दिए बता दीजिए तो मैं इसके दो एग्जाम्पल आपको बताया एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बता दिया जिसका एप्लीकेशन एसी ब्रिज और डीसी ब्रिज में किया जाता है राइट दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया रिले करेंट बैलेंस मीटर ओके क्लियर ना नाउ नेक्स्ट हम लोग यहां पे देख रहे हैं तो ये हमारे पास हो गया एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर सेकंड टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है देखो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट किसको बोला जाता है तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट इट मेजर इट मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी डायरेक्टली इट मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इट मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी डायरेक्टली ये किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर करता है जैसे कि है तो आपको डायरेक्ट बता देगा पांच एम्पियर वोल्ट मीटर है तो आपको डायरेक्ट बता, तो बता देगा जितना वोल्टेज रहेगा उसको 200 सौ वोल्ट है तो 200 सौ तीन सौ वोल्ट है तो 300 मतलब ये मीटर के टर्म में मीटर कांस्टेंट के टर्म में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं करता ये क्या करता है इट मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी डायरेक्टली यह किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर करता है क्या बात समझ में आ रहा है आप सभी बच्चों को यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर करता है इसलिए इसको हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसलिए हम इसको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे इनडायरेक्ट किसको बोला जाता है एब्सोल्यूट को बोला जाता है इसलिए हम इसको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ये सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं अब आज आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए पूरा रिविजन कर लो मैं आप लोग को कल सारे क्वेश्चन को करा दूंगा इसलिए मैं इसको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट बोलता हूं ठीक है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूं बच्चों तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होता है मेरे पास ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है ध्यान से देखिएगा ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मेरे पास जो है ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार का होता है सर कौन कौन से सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है एक होता है मेरे पास एनालॉग होता है ऐसा लिख लो डायरेक्ट आप और एक आप यहां पे लिख लि, लीजिए डिजिटल एक आपका एनालॉग होता है एक डिजिटल होता है अब जैसे मैं पूछूंगा कि सर एनालॉग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और डिजिटल क्या होता है जैसे मैं आपको बोलूं कि सर एनालॉग जो है ना तीन प्रकार का होता है यहां पे चार लिख लो चलो चार लिख लो ऐसे कर सकते हो आप पहला आप यहां पे इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट दूसरा आप लिख सकते हो रिकॉर्डिंग और तीसरा आप लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग और एक आपका चौथा लिख सकते हो नल टाइप तो देखो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मैंने बोला कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होता हो, है वो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है इट मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी डायरेक्टली अब ये दो प्रकार का होता है एनालॉग डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट किसको बोला जाता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअसली मेजर करता है एनालॉग के फॉर्म में मेजर करता है जिसमें आपका क्या रहता है जिसमें मैकेनिकल मूवमेंट होता है जिसमें पॉइंटर हो डिफ्लेक्शन हो जिसमें मैकेनिकली मूवमेंट हो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो पल्सेस के फॉर्म में या डिजिट्स के फॉर्म में किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करें वैसे इंस्ट्रूमेंट को आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बोलोगे तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट किसको बोला जाता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को को बोला जाता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू टाइम मेजर करे जिसमें मैकेनिकल मूवमेंट होता हो जैसे कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के सर एग्जांपल बताइए कोई बोलेगा तो बता देना सर इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट एग्जांपल ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट सर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट सर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट डिजिटल जो आजकल आप डिजिटल घड़ी पहनते हो आजकल जो मल्टीमीटर आने लग गया है डिजिट्स के फॉर्म में जिसमें सेवन सेगमेंट डिस्प्ले आप यूज करते हो वो सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है तो आजकल जैसे रेलवे स्टेशन में जाते हो तो जो घड़ी होता है आपका रेड कलर का बड़ा सा वो भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है जो टाइम को डिजिट्स के फॉर्म में आपको बता रहा है और जो आपके घर में घड़ी है जिसमें आपका क्या लगा हुआ है पॉइंटर लगा हुआ है जो पॉइंट करके आपको बता रहा है मूवमेंट करके वो क्या है आपका एनालॉग है तो क्या एनालॉग और डिजिटल समझ में आया एनालॉग और डिजिटल समझ में आ गया बताइए सभी लोग क्या एनालॉग और डिजिटल समझ में आया आगे बढ़ते हैं अब जैसे एनर्जी मीटर वगैरह सब आएगा अभी एवरीथिंग मैं यहां पे आनंद मोहन सिंह सब चीज को इंट्रोड्यूस कराऊंगा अभी जस्ट मैं एनालॉग और डिजिटल को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है तो एनालॉग डिजिटल एनालॉग का मतलब यह होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअसली मेजर करे इट मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कंटिन्यूअसली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट किसको बोलेंगे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हम उस इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को पल्सेस के फॉर्म में या डिजिट्स दिज, के फॉर्म में मेजर करे आगे बात समझ में यहां पे ध्यान से देखिए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में मैंने उसी चीजों को यहां पे लिख दिया है कि भाई एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसमें एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कहीं न कहीं पॉइंटर को मूव कराता हो इसमें एक मैकेनिकल डिवाइस होता ही होता है जो कहीं ना कहीं पॉइंटर को मूव कराता हो तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इन कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम और इसमें एक मैकेनिकल डिवाइस लगा होता है जैसे स्केल एंड पॉइंटर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को एनालॉग बोलते हैं जैसे कि ये आपके पास एक मल्टीमीटर दिख रहा है ये मल्टीमीटर दिख रहा है देखो इस मल्टीमीटर में यहां पे आपका एक पॉइंटर लगा हुआ है जब इस मल्टीमीटर को ऑन करोगे और दो तारों को आपस में टच करोगे और कंटिन्यूटी टेस्ट करोगे रेजिस्टेंस चेक करोगे वोल्टेज मेजर करोगे करंट मेजर करोगे तो यही पॉइंटर में मूवमेंट होगा आगे पीछे और उसी के हिसाब से आप स्केल में वैल्यूज को मेजर करोगे तो यहां पे आप एक पॉइंटर के थ्रू किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर रहे हो यही आपका एनालॉग है सर डिजिटल क्या है एक बार आपको बता देता हूं तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट वह इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डिजिट्स के फॉर्म में या पल्स के फॉर्म में मेजर करेगा देखो उसी को लिखा होगा इंस्ट्रूमेंट विच आर रिप्रेजेंट द मेजर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल नंबर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है डिजिटल नंबर के फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं अब जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ये भी मल्टीमीटर है लेकिन ये मल्टीमीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट है बताओ यहां पे देखो डिजिट्स के फॉर्म में ये रेजिस्टेंस को मेजर कर रहा है है ना और वो एनालॉग के फॉर्म में कर रहा था उसमें पॉइंटर मूव कर रहा था इसमें क्या है सेवन सेगमेंट डिस्प्ले यूज किया गया है तो ये डिजिट्स के फॉर्म में आपके वैल्यूज को मेजरमेंट कर रहा है दोनों मल्टीमीटर था बट एक डिजिटल है और दूसरा वाला क्या था एनालॉग था तो दोनों में डिफरेंस एक किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम मेजर कर रहा है और डिजिटल जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को पल्स के फॉर्म में या डिजिट्स के फॉर्म में मेजर कर रहा है दोनों में ये बिग डिफरेंस है क्या आपको समझ में आ गया बातें यहां तक क्लियर हो गया यहां तक क्लियर हो गया यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया डिजिटल और एनालॉग है ना एनालॉग का डेफिनेशन मैंने बोला द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कंटिन्यूसली मेजर करता है टू टाइम समय के में किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को जो कंटिन्यूसली मेजर करे उसको क्या बोला जाता है एनालॉग और जो पल्स और डिजिट्स के फॉर्म में किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करे उसको हम क्या बोलते हैं डिजिटल ओके सो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए ओके okay. अब आता है यहां पे डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट तो हमने उसी को बोला है ये तीन प्रकार का होता है डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है तीन प्रकार का या चार प्रकार का बोल लीजिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट ये जो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डिफ्लेक्ट करके मेजर करता है ये हमने इसको डिफ्लेक्टिंग बोल दिया है तो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट में पहला आपका क्या आएगा जो डिफ्लेक्ट करके मेजरमेंट देता हो जैसे कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आपका डिफ्लेक्टिंग है जैसे कि यहां पे देखिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्टिंग है दूसरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट यह भी डिफ्लेक्टिंग है तीसरा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट यह भी डिफ्लेक्टिंग है और क्या नल टाइप में भी आपको नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में भी आपका डिफ्लेक्शन होता है हा बिल्कुल होता है यहां पे भी जॉकी को आगे पीछे मूवमेंट कराया जाता है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में भी तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये सारे इंस्ट्रूमेंट ना

मीटर पोटेंशियो मीटर देखो तो कुल मिला के हमारे पास हम बात करना चाहें तो हमारे पास यदि एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है तो दो प्रकार का होता है एक डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट होता होता है है एक नल टाइप होता है, डिफ्लेक्टिंग को फिर तीन प्रकार से आप क्लासीफाइड कर लो इंडिकेटिंग रिकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग और एक नल टाइप कर लो नल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इसलिए उसको हमने डिफ्लेक्टिंग में न रख के उसमें मूवमेंट कराया जाता है तो उसको हम अलग कैटेगरी में डाल दिए हैं क्या यहां तक क्लियर हो गया अब चलो फर्स्ट यहां पे आता है कि सर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात करते हैं पहला आता है आपके पास कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बातें करता हूं राइट देखिएगा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को पॉइंटर और स्केल में इंडिकेट करके मेजर करता है है ना तो यहां पे हम लिख सकते हैं द इंस्ट्रूमेंट द

स्केल एंड अ पॉइंटर इन स्केल एंड पॉइंटर इन स्केल एंड पॉइंटर। तो मैंने क्या बोला इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिकेट करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को या मेजर्ड क्वांटिटी को विच इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इन स्केल एंड अ पॉइंटर ठीक है किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिसको आपको मेजर करना है जिस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ये स्केल और पॉइंटर के थ्रू इंडिकेट करके दिखाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मैंने बोला तो जिस मेजर क्वांटिटी को जिस इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी को आपको मेजरमेंट करना हो उसको ये स्केल और पॉइंटर के थ्रू मेजर करे या फिर किसी स्केल में पॉइंटर के थ्रू इंडिकेट करे तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आप क्या बोलोगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट तो क्या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं स्केल और पॉइंटर का रिक्वायरमेंट है यदि मैं आप लोगों से इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं तो क्या स्केल एंड पॉइंटर का रिक्वायरमेंट है yes no? बताइए तो ना तो यस इस प्रकार के इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को जिसको मेजरमेंट करना हो उसको स्केल में पॉइंटर के थ्रू इंडिकेट करके हम मेजर करें तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो आपका किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को का मतलब तत्कालिक मान को इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मतलब तत्कालिक मान को है ना जिस टाइम पे जितना करंट या जितना वोल्टेज है वो उतने ही वैल्यू को बताएगा जिस टाइम पे आप मेजरमेंट कर रहे हो उस टाइम पे जो भी वोल्टेज होगा जो भी करंट होगा उसी को मेजर करके आपको दिखाएगा जिस टाइम पे आप मेजरमेंट करना चाहते हो तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को क्या करता है मेजर करता है ठीक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में स्केल और पॉइंटर का होना कंपलसरी है तभी तो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को स्केल और पॉइंटर स्केल में पॉइंटर के सहारे इंडिकेट करके दिखाएगा तो उसी इंस्ट्रूमेंट को ही आप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हो सर आप लोग को पता है क्या इसका क्या क्या इसका हो सकता है यदि मैं पूछूं आपको एग्जाम्पल क्या क्या है इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट का तो इस प्रकार के इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि सर एम मीटर आप नॉर्मली जो एम मीटर देखते हो ना एनालॉग टाइप का एम मीटर वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है जैसे कि आप लोग लिख लीजिए यहां पे ओल्ट मीटर एग्जाम्पल है, जिसमें होता है, जिसमें होता है वो कि आप लिखते हो यहां पे वाट मीटर -मीटर, टाइप वाट मीटर ये भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है तो बहुत सारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आता है हर उस इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जा सकता है जिसमें स्केल एंड पॉइंटर लगा हो

तो इसको हम क्या बोलेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे यस yes नो no? समझ में आ गया समझ में आ गया यस yes. फटाफट -फड़ सभी लोग जल्दी बता दिए यदि यहां तक क्लियर हो गया होगा तो सो so, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं किसको बोला जाता है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द दर्म्स ऑफ स्केल एंड पॉइंटर स्केल और पॉइंटर के टर्म में किसी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर करता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के जस्ट बाद एग्जाम्पल मैंने बता दिया आप लोग को रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को या मेजर मेजर क्वांटिटी को द इंस्ट्रूमेंट द इंस्ट्रूमेंट द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द मेजर्ड वैल्यू द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द मेजर्ड वैल्यू बाई ग्राफ पेपर एंड पेन ग्राफ पेपर एंड पेन ग्राफ पेपर एंड पेन यदि आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी मेजर्ड वैल्यू को ग्राफ पेपर और पेन के थ्रू रिकॉर्ड कर दे पेन और ग्राफ पेपर के थ्रू क्या कर दे रिकॉर्ड कर दे किसी ग्राफ पेपर में पेन के थ्रू किसी भी मेजर्ड वैल्यू को यदि रिकॉर्ड किया जा सके तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है हम जिस वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसको हम किसी ग्राफ पेपर में पेन के थ्रू यदि क्या कर दे रिकॉर्ड कर दे उसमें कोई ग्राफ बना दिया या और कुछ कर दे वैल्यूज को रिकॉर्ड कर दिया जाए तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट किस इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी मेजर्ड वैल्यू को ग्राफ पेपर में पेन के थ्रू रिकॉर्ड करा दे

यह भी रिकॉर्डेड का एग्जाम्पल है और एक ग्राफिकल टेम्परेचर मीटर होता है जो किसी भी टेम्परेचर को जैसे कि 24 घंटे में टेम्परेचर जो है घट रहा है बढ़ रहा है उसको ग्राफ के थ्रू कहीं ना कहीं हम डिटेक्ट करते रहते हैं तो ग्राफिकल फॉर्म में हम 24 घंटे के टेम्परेचर को प्लॉट कर देते हैं तो ग्राफ एक प्रकार से रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही प्लॉट किया जाता है एक होता है जैसे भूकंप की तीव्रता को आपको मेजरमेंट करना है सिस्मोमीटर तो वो भी ग्राफ के थ्रू ही तो तीव्रता को मेजर करता है इंटेंसिटी जैसे भूकंप आता है ना तो कहीं ना कहीं आप बोलते हो ना कि 5.2 5.2 स्केल रिएक्टर ऐसा ऐसा कुछ कुछ शब्द यूज करते हो तो वो भी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो उसको मेजर करने के लिए कि कितना इंटेंसिटी का भूकंप जो है अर्थ के जो है आया हुआ है तो ये सबके लिए आप लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो ना रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट होता है या रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है बात समझ में तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी जिस जिस क्वांटिटी को आप मेजरमेंट करना चाहते हो उस क्वांटिटी को वो ग्राफ पेपर में पेन के सहारे क्या करा दे रिकॉर्ड करा देता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं जैसे कि सर इसमें देख लो जैसे कि सर इसमें देख लो ये जो दिख रहे ना आपको फर्स्ट ईसीजी मशीन है ये इसको बोला जाता है ईसीजी मशीन इसको बोला जाता है ईसीजी मशीन इसमें क्या है देखो इसमें जो भी वेब फॉर्म यहाँ पे प्लॉट हो रहा है वो इस ग्राफ पेपर में कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहा है रिकॉर्डेड होते जा रहा है बात समझ में तो ये मशीन जो है यही आपका रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट हो गया मतलब जो भी आपके पास जो आपका जैसे हॉस्पिटल में आपने देखा होगा जो आपका हार्ट बीट चल रहा है जो आपका सांस चल रहा है उसको यदि मैं ग्राफ पेपर में ऐसे करके प्लॉट करते रहूं हालांकि हॉस्पिटल में एक आपको डिस्प्ले लगा होता है उसमें वो दिखते रहता है लेकिन जब मैं उसी चीज को ग्राफ पेपर में प्लॉट करा दूं तो वो आपका रिकॉर्डेड कहलाएगा आ रहा है बात समझ में ठीक यहां पे एक और चीज है यहां पे हम बोल सकते हैं एक्स वाई रिकॉर्डर है तो ये एक्स वाई रिकॉर्डर है जिसमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में एक होता है पेन इस तरीके से वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन और जो भी इसको इनपुट दिया जाता है वो एक्स वाई डायरेक्शन में इसको रिकॉर्ड करेगा ठीक है हा एक बार बता दीजिए वाइफ आ रहा है ना हाँ वाइफ ओके है बेटा बैटरी बैटरी सब सही है तो क्या आप लोगों को तो बात समझ में आ रहा है हाँ यदि आपको में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग ना एक बार यूट्यूब से देख लो आज हम बाकी कल ठीक कर देंगे जो भी प्रॉब्लम आ रहा होगा माइक वाइक में तो ठीक हो जाएगा यूट्यूब में सब सही चल रहा है ठीक है चलो तो हमने बोला भाई रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट किसको बोला जाता है तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट या रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को ग्राफ पेपर में रिकॉर्ड करा देता है जैसे कि एसीजी मशीन एक्स वाई रिकॉर्डर थर्मोस्कोप ग्राफिकल टेम्परेचर मीटर ये सारे एक रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट है मतलब इसमें पॉइंटर स्केल की जरूरत नहीं है इसमें पेन और ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ता है. है ना समझ में आ गया ऐसे इंस्ट्रूमेंट उसके बाद आपके पास रिकॉर्डेड के बाद जस्ट आता है आपके पास रिकॉर्डेड के जस्ट बाद आता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हाँ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एनर्जी मीटर आप लोग को पता होगा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जैसे कि ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है और एक पहले से जो एग्जिस्ट करते रहता है उसको हम बोल देते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू ये तो ये तुम्हारे पास हो गया प्रेजेंट वैल्यू ये हो गया एग्जिस्टिंग वैल्यू यदि प्रेजेंट वैल्यू को एग्जिस्टिंग वैल्यू में हम एड ऑन करा दे जोड़ दे इंटीग्रेट करा दे तो उसी एड ऑन को ही इंटीग्रेशन बोला जाता है तो जब हम किसी भी प्रेजेंट वैल्यू को जो भी प्रेजेंट में हम मेजर कर रहे हैं जिस भी क्वांटिटी को

add on the present value to the existing value is known as integrating instrument. क्या आप लोग को समझ में आया बात तो सीआरओ रिकॉर्डेड है नहीं सीआरओ दो प्रकार का आता है बेटा एक रिकॉर्डेड भी आता है सीआरओ जो है रिकॉर्डेड का मतलब देखो डिस्प्ले में यदि आप देख रहे हो तो उसको रिकॉर्डेड नहीं बोलोगे यदि ग्राफ पेपर में रिकॉर्ड करके चीजें आप लि लिखोगे तब उसको रिकॉर्डेड बोलोगे ठीक है सीआरओ रिकॉर्डेड होगा यदि हम किसी भी क्वांटिटी को ग्राफ पेपर में या पेन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्डेड बोलेंगे सीआरओ में वैल्यू जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही आपको दिखते रहता है तो उसको रिकॉर्डेड नहीं बोल सकते जब तक आप ग्राफ पेपर के थ्रू उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे ठीक है चलो अभी समझ में आ गया एक्साइटिंग वैल्यू नहीं बेटा एग्जिस्टिंग वैल्यू जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है जैसे कि एग्जिस्टिंग वैल्यू किसको बोला जाता है जैसे तुम्हारे पास एक बाइक है तुमने दस हजार किलोमीटर चलाया हुआ है तो अभी दस हजार किलोमीटर चलाया है मान लो बीस किलोमीटर कहीं और चला दिए तो अब क्या हो जाएगा दस हजार में ये बीस किलोमीटर जुड़ जाएगा तो अब कितना हो जाएगा दस हजार बीस किलोमीटर हो जाएगा दस हजार किलोमीटर पहले से जो तुम्हारा मीटर दिखा रहा था वो एग्जिस्टिंग जो तो जो जोड़ दे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है इंटीग्रेटिंग तो इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जो प्रेजेंट वैल्यू को एग्जिस्टिंग वैल्यू में जोड़ने का काम करता है जैसे पहले का 10000 किलोमीटर चल गया था तुमने 20 किलोमीटर और चला दिया बाइक को तो टोटल 10020 किलोमीटर हो गया ना भैया है ना तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो कंटीन्यूअसली रीडिंग्स को जोड़ते रहे जोड़ते रहे एड करते रहे एड करते रहे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है या सुन बेटा समझ में आया कि नहीं ठीक ठीक है पहले से स्टोर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का एड ठीक वही बात है वही चीज है इसी चीज को हम समझा रहे हैं आप लोगों को आ रहा है बात समझ में? तो आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट वैल्यू को एग्जिस्टिंग वैल्यू में मतलब पहले से स्टोर वैल्यू में जब हम जोड़ देते हैं जैसे कि ये एक थोड़ा सा एक लीटर का ये जार है इसमें इतना लेवल का पानी है है ना और इसमें बाहर से पानी लाला के और जोड़ते जा रहे हो तो पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है है ना तो ऐसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट को आप बोल सकते हो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट तो इंटीग्रेटिंग तो इंस्ट्रूमेंट का वही है है ना इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे इसका क्या है 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 ये ये एनर्जी रहा है? एनर्जी 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 मीटर 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 दिख रहा इसका ना में कोई वैल्यू रहता है क्या नहीं रहता रहता तो आप क्या कर देते जितने भी एनर्जी आप यूज कर दे हर दिन अपने मीटर में प्री सेट सेट कर देते है ना फिर जीरो कर देते हर दिन इसलिए इसमें इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ता है ताकि आप उसको चेंज ना कर सको सेटिंग को नहीं तो रोज तुम जीरो कर दोगे तो एनर्जी मीटर जो होता है वो इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है एनर्जी मीटर क्या करता है मान लो एनर्जी मीटर जो है अभी आपका 2000 यूनिट जो है आपका एनर्जी दिखा रहा है आज अब 10 यूनिट यूज करोगे तो 2010 हो जाएगा आज 50 यूनिट यूज करोगे तो 2050 हो जाएगा तो क्या हो रहा है एनर्जी मीटर में पहले के वैल्यू में अभी का जो नया वाला वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू जुड़ रहा है ना तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज इस इजट्रूमेंट इस विच एड वैल्यू टू दी, दी एक्टिंग वैल्यू क्या बात समझ में आया ये बताइए यहां पर जो दिख रहा है इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट इसमें दो टाइप का मीटर लगा हुआ है एक इंडिकेटिंग भी है और दूसरा इंटीग्रेटिंग भी है कार वार में ओडोमीटर आपने देखा है वो किसका एग्जाम्पल है बताइए कार में जो आपने ओडोमीटर देखा है कार में जो आपने ओडोमीटर देखा है ये किसका एग्जाम्पल है कार में जो आप ओडोमीटर देखे हो वो किसका एग्जाम्पल है जल्दी बताइए प्री स्टोर्ड वैल्यू को एग्जिस्टिंग वैल्यू हाँ, प्री पहले का जो वैल्यू होता है उसी को एग्जिस्टिंग बोल सकते हो जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और अभी जो आपने मेजर किया उसको तो आप प्रेजेंट वैल्यू बोलोगे है ना भैया तो प्रेजेंट को पहले वाले वैल्यू में प्री स्टोर वैल्यू में जोड़ देना क्या कहलाता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट अब कार में जो ओडोमीटर होता है ये किसका एग्जाम्पल है कार में जो ओडोमीटर मैंने बोला बेटा ओडोमीटर वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है ठीक है और कार में जो टेकोमीटर होता है देखो कार में बोलो या बाइक में बोलो एक साथ दोनों मीटर कनेक्टेड होता है ठीक है ना बेटा देखो अब उसी चीज को समझना तो ये जो पॉइंटर के थ्रू जो मेजरमेंट करता है कि हम कितना किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला रहे हैं जैसे कोई 60 किलोमीटर की स्पीड से चलाता है कोई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताता है उस टाइम का स्पीड को जो बता देगा वो आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया तो जो जितने टाइम पे आप बाइक को चला रहे हो तो उस टाइम आपका बाइक किस स्पीड से चल रहा है तो स्पीड को जो मेजर करता है जो स्पीड को बताता है वो इंडिकेटिंग है क्योंकि इंडिकेट करके बताता है इसके अलावा टोटल आपका गाड़ी जो है कितना किलोमीटर चल गया है उसको मेजरमेंट करने के लिए आपके गाड़ी में एक ओडोमीटर भी तो होता है ओडोमीटर भी तो होता है जितना किलोमीटर आप चलते चलाते जाते हो वो उसमें एड ऑन होते चला जाता है तो ओडोमीटर का मतलब क्या हुआ ओडोमीटर का मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू को पहले के वैल्यू में एग्जिस्टिंग वैल्यू में जोड़ते चला जाए उसको हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग तो ओडोमीटर इंटीग्रेटिंग है और ये जो पॉइंटर के थ्रू आपकी स्पीड को बताता है कि आप इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो वो क्या को बताता है इंडिकेटिंग उसको आप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो तो आपके मीटर आपके गाड़ी वाड़ी में दोनों लगा होता है ओडोमीटर लगा होता है एक और एक टेकोमीटर लगा होता है ठीक है जिसको स्पीडोमीटर भी बोल देते हो तो ओडोमीटर जो होता है वो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है और जो स्पीडोमीटर लगा होता है है वो आपका इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट तो क्या इंटीग्रेटिंग और इंटीगे... इंटीग्रेटिंग और इंडिकेटिंग में डिफरेंस समझ में आया यदि इंडिकेटिंग है तो वो पॉइंटर के थ्रू इंडिकेट करके वैल्यू को मेजर करेगा और इंटीग्रेटिंग है तो वो प्रेजेंट वैल्यू को एग्जिस्टिंग वैल्यू में एड करेगा क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को यदि आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं यार चलो यदि आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं सो so, टेकोमीटर की जब हम बात कर रहे हैं तो टेकोमीटर इज ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड ओडोमीटर इज इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ओके जितने लोग भी वॉइस प्रॉब्लम बोल रहे हैं भैया कृपया करके वॉइस प्रॉब्लम नहीं है यूट्यूब में देख लो यूट्यूब में कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं आ रहा है आज आप लोग यूट्यूब में शिफ्ट हो जाओ कल से मैं ठीक करा दूंगा एप वाले ठीक है जल्दी से मुझे बताइए जितने भी ऐप में देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग शिफ्ट हो जाइए यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उस पर टेक्निकल वर्क कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा वॉइस का इशू नहीं है एक बार यूट्यूब में चेक कर लो ठीक है बेटा क्या सभी को समझ में आ गए यहाँ तक एक बार जल्दी बताएंगे मुझे सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया ऑल क्लियर ठीक अब मैं आगे बढ़ता हूं नल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है देखो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझिएगा यह पोटेंशियोमीटर है बच्चा समझना पोटेंसियो सभी ने देखा होगा तो इस तरीके से एक मीटर का लंबा क्या होता है एक स्केल होता है इसके अंदर में इस तरीके का एक मीटर का एक लंबा स्केल होता है उसमें ऐसे करके एक मीटर लंबा एक स्केल लिया जाता है राइट और उसी को इस तरीके से सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है मान लो मैंने इस एक सप्लाई से इसको क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया ये प्लस माइनस इसको एक वोल्टेज दे दिया अब माना कि इस पोटेंशियोमीटर को यूज करके बच्चा मुझे इस इस तरीके से पोटेंशियोमीटर को यूज करके किसी बैटरी का पोटेंशियल मेजर करना है मान लो ये बैटरी है ये कितना वोल्टेज का है उसको मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा यहां पे गैल्वेनोमीटर रहता है ऐसे करके उसको जॉकी के साथ कनेक्ट कर दूंगा गलवेनोमीटर को यहां से मैंने कनेक्ट कर दिया ये बैटरी है इसका पोटेंशियल मेजर करना है और इसको बोल दिया जाता है जॉकी जे जॉकी बोल दिया जाता है और हम इस जॉकी को पकड़ते हैं और इस स्केल में आगे पीछे इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे हम आगे पीछे इसको मूव कराते हैं जिस पॉइंट पे बैलेंस मिलेगा उस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा और जब गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाएगा तो हम बता देंगे कि यहां का वोल्टेज जो है वो यहां के वोल्टेज के बराबर हो गया और इसके साथ इसको कंपैरिजन करके हम इस वैल्यू को बता देंगे तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को नल टाइप इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोटेंशियोमीटर मतलब हम नल पॉइंट ढूंढते हैं नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होता एक बैलेंस पॉइंट तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें नल पॉइंट ढूंढ करके किसी अननोन को मेजरमेंट किया जाता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट को नल टाइप इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है और ऐसा किया जाता है पोटेंशियोमीटर में आप लोग को पता होगा आया बात समझ में ऐसा किया जाता है पोटेंशियोमीटर में में और नो समझ में आ गया आप सभी बच्चों को तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है नल टाइप का मतलब एक नल पोजीशन को ढूंढना एक बैलेंस पॉइंट को ढूंढना है ना क्या हुआ जैसे कि आपका यह वोल्टेज जो है बीस वोल्टा है आया बात समझ में बीस वोल्टा है और यह वोल्टेज मेरा अनोन है इसी को मेजरमेंट करना है माना कि ये जो है वो आपका दस वोल्टा है मुझे पता नहीं है दस वोल्टा है करके लेकिन मैंने अभी चलो माना की दस वोल्टा है अब मैं पकड़ूंगा और इस जॉकी को इसमें आगे पीछे आगे पीछे से मूव कराऊंगा तो टोटल वोल्टेज 20 है तो सेंटर पे 10 वोल्ट आएगा ना इसका मतलब मैं इस जॉकी को यहाँ पैसे लेके आऊंगा तो ये 10 वोल्ट दिखा देगा तो देखो यहाँ का 10 वोल्ट जो है इसके 10 वोल्ट के बराबर हो गया मतलब यहाँ के पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर जब दो जगह का पोटेंशियल बराबर है तब गेलवेनोमीटर में करंट फ्लो होगा क्या नहीं होगा जब गेलवेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कि भैया अब बैलेंस हो चुका है अब इस पोटेंशियल को इसके पोटेंशियल से मैं कंपेरिजन कर लूंगा तो जब इस तरीके से वैल्यू को मेजरमेंट किया जाता है इस तरीके से अननोन वैल्यू को मेजरमेंट किया जाता है नल पॉइंट ढूंढा जाता है बैलेंस पॉइंट ढूंढा जाता है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं नल टाइप इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का बेस्ट एग्जांपल क्या है पोटेंशियोमीटर मीटर नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक मीटर एक मीटर लंबा स्केल होता है इसमें एक पोटेंशियल दे दिया जाता है फिर इसी में जॉगी को आगे पीछे मूव करा के यहां के को, यहां के पोटेंशियल पोटेंशियल को से कंपेरिजन करके निकाला जाता है आप लोग को समझ में आया होगा तो यत्तर करके बताना नहीं आया होगा तो और समझाऊंगा मैं तो यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो एक बार जल्दी से बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए इसमें एक मीटर लंबा ऐसे करके स्केल होता है और इसको सप्लाई दे दिया जाता है बैटरी के थ्रू ऐसा करके और यहां से अननोन पोटेंशियल को रखा जाता है और एक गलवेनोमीटर हम यूज करते हैं ताकि हम इस जॉकी को इसमें आगे पीछे कराएं और जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो आया उस पॉइंट पे इसको फिक्स कर दिया जाता है सपोज यहां पे आ गया इतने लेंथ पे तो इसको मैंने फिक्स कर दिया तो अब मैं यहाँ का पोटेंशियल से कंपेरिजन कर लूंगा ठीक है ना तो इसको ये अपने आप में नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है पोटेंशियोमीटर जो है वो एक चैप्टर है मैं आपको उसको चैप्टर में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ये चैप्टर है वहां पे बहुत सारा चीजें मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको ये खाली इंट्रोडक्शन है कि नल टाइप क्या होता है नल टाइप का मतलब आगे आगे तो तो यदि मैं आप लोगों से पूछूं भाई कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का हुआ मेजरिंग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन मैंने किया तो कितने प्रकार का हुआ तो आप लोग बताओगे बच्चा कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है सर आपने इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया है ना कौन कौन से सर एक आपने किया सर इसको एप्सल्यूट और ये कंक्लूजन है लिख लो एक आपने किया सर इसको एप्सोलूट इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में और दूसरा आपने किया सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में ठीक सर आपने एप्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट किसको बोला सर आपने एप्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मीटर कांस्टेंट के टर्म में मेजरमेंट करता है और दूसरी बात ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है तीसरी बात ये हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है चौथी बात इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट इस का यूज लेबोरेटरी में करते हैं टू कैलिब्रेट टू कैलिब्रेट अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को इससे तुलना करने के लिए तो ये चार पॉइंट आपने बताया सर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल आपने क्या क्या बताया तो सबसे पहले तो मैंने बोला टेंजेंट गैल्वेनोमीटर दूसरा मैंने बोला रिले गेलवे रिले रिले करेंट बैलेंस रिले करेंट बैलेंस मीटर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और रिलेग करेंट बैलेंस मीटर ये दो एग्जांपल मैंने बताया तो क्या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्लियर है सभी बच्चों को एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए यार एक बार रिवीजन हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट को हमने दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया है एक एब्सोल्यूट एक सेकेंडरी सर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है अरे जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करे यार उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे दो प्रकार का होता है, absolute, sir, का है कि इनडायरेक्ट का इंस्ट्रूमेंट है इनडायरेक्टली तो मेजर करता है और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कैसा इंस्ट्रूमेंट है सर ये डायरेक्ट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है सर ये किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर करता है ओके सर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार का होता है बेटा यदि मैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का टाइप्स की बात करूं तो ये कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है कौन कौन से सर ये होता है एक एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है सर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट किसको बोलेंगे अरे वह इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली मेजर कर, करे विच मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कंटिन्यूअसली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एनालॉग बोलेंगे जिसमें मैकेनिकल मूवमेंट हो मैकेनिकल डिवाइस हो एनालॉग डिजिटल जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को पल्सेस के फॉर्म में या तो फिर डिजिट्स के फॉर्म में मेजर करे उसको डिजिटल बोलेंगे क्या यहां तक क्लियर यस सर सर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को फिर आपने कितने तरीके से क्लासिफाई किया दो प्रकार से कौन कौन से सर एक आपके पास है डिटेक्टिंग एक आपके पास है डिटेक्टिंग और एक आपके, है एक, आपके है एक आपके पास है नल एक आपके पास है डिटेक्टिंग एक आपके पास है नल सर डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट अरे जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डिटेक्ट करके मेजर करता हो तो डिटेक्टिंग जैसे कि तीन प्रकार जैसे कि तीन प्रकार कौन कौन से सर एक आपके पास इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग दूसरा रिकॉर्डिंग दूसरा रिकॉर्डिंग तीसरा इंटीग्रेटिंग 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 क्या क्लियर है यहां तक हां सर क्लियर है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को इंडिकेट करके मेजर करे किसके थ्रू पॉइंटर और स्केल के थ्रू राइट right? ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे इंडिकेटिंग सर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल एम मीटर उल्ट मीटर वाट मीटर एम मीटर उल्ट मीटर वाट मीटर जो जनरली आप यूज करते हो दैट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ना सर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को ग्राफ पेपर में रिकॉर्ड करके आपको वैल्यू दे दे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्डिंग एक्स वाई रिकॉर्डर ऑसिलोग्राफ जो आपका जो रिकॉर्डिंग टाइप का ऑसिलोग्राफ आता है वो सिस्मोग्राफ बहुत से चीजें होता है रिकॉर्डिंग के एग्जांपल आपको बताया हूं. सर इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ओ इंस्ट्रूमेंट को हम बोल रहे हैं जो प्रेजेंट वैल्यू को एग्जिस्टिंग वैल्यू में एड ऑन करें बेस्ट एग्जाम्पल एनर्जी मीटर बेस्ट एग्जाम्पल एनर्जी मीटर दूसरा एग्जाम्पल ओडोमीटर तीसरा एग्जाम्पल एम्पियर आवर मीटर एम्पियर आवर मीटर ये सारे एग्जाम्पल है आपके इंटीग्रेटिंग के ये सारे इंटीग्रेटिंग के तो यहां तक आपको समझ में आया एक होता है नल टाइप नल टाइप इंस्ट्रूमेंट नल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है पोटेंशियोमीटर इसका बेस्ट एग्जांपल है पोटेंशियोमीटर इसमें हम लोग नल पॉइंट ढूंढते हैं और नल पॉइंट पर ही गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होता है और फिर वहीं से हम कंपैरिजन करके किसी अननोन को डिटरमाइन कर लेते हैं सर जॉकी को स्लाइड क्यों कराते हैं बैलेंस पॉइंट को ढूंढने के लिए सिवा जो आपका बैलेंस पॉइंट जो होता है उसी को आगे पीछे मूव करा करके उस ऊपर वाले वोल्टेज के साथ नीचे वाले अननोन वोल्टेज का कंपैरिजन कराने के लिए क्योंकि जॉकी वहीं पे जाके रुकेगा जहां पे वहीं पे रोक देते हो आप जॉकी को जहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो फ्लो होते रहता है इसका मतलब आप ऊपर का वोल्टेज और नीचे का वोल्टेज बराबर हो चुका है अब नीचे वोल्टेज को ऊपर से कंपेरिजन कर लो इसलिए जॉकी को मूव कराया जाता है हो गया क्लियर आगे बढ़े यहां तक सभी लोग ने नोट बन, नोट्स में एंट्री कर लिया क्या सारे पॉइंट्स नोट्स बना रहे हो कि नहीं जल्दी बताइए मुझे आगे बढ़ते हैं फिर यहां यहां तक तक हो हो गया गया सभी बच्चों का यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ा जाए एक बार फटाफट मुझे बता दीजिए यदि सभी का यहां तक हो गया होगा तो सभी लोग मुझे जल्दी से बता दीजिए और समझ में आ रहा है कि नहीं वो भी मुझे बता दीजिए ठीक है तो फटाफट एक बार आप लोग बता दीजिए यार यहां तक सभी का कंप्लीट हो गया चलो अब देखो इसी में उसी चीज को और लिख दिया मैंने एक बार कि भैया इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है मोटा मोटा तीन तरीके से आप क्लासिफाइड करते हो एक आप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट अब आपको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का कोई एग्जांपल पूछेगा तो सर एम मीटर ओल्ट मीटर वाट मीटर ये हो गया इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का आपको कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो एनर्जी मीटर एम्पियर आवर मीटर जो कि ऑलरेडी बता चुका हूं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो ईसीजी मशीन बता दीजिएगा ईसीजी मशीन जो हॉस्पिटल में यूज होता है और एक गेलवेनो galvano, आपका गेलवेनो मीटर रिकॉर्डर आता है ये भी आप रिकॉर्डर शब्द यदि जुड़ जाएगा कहीं पे तो उसको आप रिकॉर्डिंग में डाल सकते हो ओके डन डन ना ये ऑलरेडी कर चुके हो आप लोग ठीक अजीत कुमार गुप्ता क्या पूछ रहे हैं तब कैसे सर जी क्या क्या पूछे बेटा एक बार और पूछो ठीक है आ रहा है ना नोट्स भी बन गया सर ब्रिज किस टाइप में आएगा ब्रिज जो है किस टाइप में आएगा ब्रिज जो है आपके पास उसमें देखो ब्रिज जो होता है उसमें बैलेंस किया जाता है चीजों को तो वहां पे ब्रिज में जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर वो तो किस में आ गया एब्सोल्यूट में आएगा ना ब्रिज में जो आपका गैल्वेनोमीटर लगा है वो एब्सोल्यूट में आया ओवरऑल तो ब्रिज जो है किसमें आएगा तो उसको बताया जाएगा आपको ब्रिज में जो आपका गलवेनोमीटर लगा है वो एप्सल्यूट में आएगा ब्रिज आपको कभी भी है ना ब्रिज में जो आपका लगा है गलवेनोमीटर वो एप्सल्यूट में आएगा ब्रिज किस में आएगा तो उसको आप भी सोचिए बाकी मैं ब्रिज में तो उसको बता ही दूंगा ठीक है अभी ब्रिज के बारे में ज्यादा बातें मत करो ब्रिज वाला चैप्टर आएगा तो बहुत समय आप चीज वहां पर बहुत सी चीजें आपको मैं बताऊंगा अब यहां पे आप लोग ध्यान से देखना बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगला हेडिंग डालो प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अब देखो आपके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है बेटा ध्यान से देखना दिख रहा होगा सभी को प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूंगा अब प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ठीक है यहां पे ध्यान से देखिएगा ठीक है दिख रहा है ना सभी को सबसे पहले देखो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होता है एक मूविंग आयरन होता है सर एक हमारा पीएमएमसी होता है ये सब पढ़ोगे आगे चल के उससे पहले आप प्रिंसिपल इफेक्ट को देख लो एक पीएमएमसी होता है सर एक डायनेमोमीटर होता है और इस डायनेमोमीटर का नाम होता है ईएमएमसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग क्वाइल ये डायनेमोमीटर को ईएमएमसी भी बोलते हैं एक हमारे पास इंडक्शन टाइप मीटर होता है एक हॉट वायर मीटर होता है एक हमारे पास इलेक्ट्रोलेटिक मीटर होता है एक हमारे पास इलेक्ट्रो स्टेटिक टाइप का मीटर होता है तो इतने प्रकार के मीटर होता है क्या क्या होता है एक बार और देखो मूविंग आयरन मूविंग आयरन होता है सबको पता होगा पीएमएमसी सबको पता होगा ईएमएमसी जिसको डायनेमोमीटर बोल देते हो आप लोग वो सबको पता होगा इंडक्शन टाइप मीटर भी होता है जैसे कि एनर्जी मीटर बनाने के लिए इंडक्शन टाइप का यूज करते हो आप वो भी पता होगा हॉट वायर जैसे कि आप थर्मोकपल वगैरह बनाते हो तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट आपके पास होता है वो पता होगा इलेक्ट्रोलेटिक मीटर इलेक्ट्रोलेटिक मीटर भी होता है जो केमिकल इफेक्ट पे वर्क करता है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप भी होता है जिसको वोल्ट मीटर बनाने के लिए यूज करते हो तो इतना चीजें आपको पता होगा अब मैं आपको यह बताता हूं कि जो मूविंग आयरन आपके पास होता है बेटा वो कौन से इफेक्ट पे वर्क करता है तो ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है सर मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ

दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मूविंग आयरन को एसी और डीसी दोनों के लिए यूज किया जा सकता है कोई भी आपके पास सप्लाई हो एसी हो डीसी हो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं जब मूविंग आयरन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ना यार एसी और डीसी दोनों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं अभी मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूं अभी मैं बहुत डिटेलिंग बात नहीं कर रहा हूं जब मूविंग आयरन पढ़ाऊंगा तो एसी डीसी के लिए कैसे यूज होता है कैसे यूज कर सकते हैं ये सबके बारे में बताऊंगा अभी खाली आप फंडामेंटल चीजें क्लियर कर रहे हो राइट तो ये एसी डीसी दोनों के लिए सूटेबल होता है मूविंग मूविंग को किस लिए आप यूज कर सकते हो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में के को यूज कर सकते हो तो सर, बनाने के लिए, बनाने के लिए, के के यूज किया जा सकता है क्या आप लोग को चीजें क्लियर हो गया तो यहां पे मैं उसी चीज को आपको बताना चाह रहा हूं कि मूविंग आयरन जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे कार्य करता है एसी और डीसी दोनों पे काम करेगा और तीसरी बात कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को एम मीटर बनाने के लिए या ओल्ट मीटर बनाने के लिए यूज किया जा सकता है पूछेगा कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को क्या क्या बनाने के लिए यूज कर सकते हैं एम मीटर बनाने के लिए भी किया जा सकता है ओल्ट मीटर बनाने के लिए भी किया जा सकता है लेकिन वाट मीटर बनाने के लिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जा सकता क्यों वो सब डिटेलिंग में देखोगे जब मैं मूविंग आयरन को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आगे बात समझ में यहां तक वैसे इसके बाद आपका होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल

करेंट कैरिंग क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो अब वो क्वाइल करेंट को कैरी कर रहा है तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ऑलरेडी तुमने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है परमानेंट मैग्नेट के तो दो मैग्नेटिक फील्ड आया तो दो मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण वहां पर वो जो मूविंग क्वाइल है वो मूव करता है तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं हम इलेक्ट्रो इफेक्ट तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें कौन से इफेक्ट अप्लाई होता है

पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डीसी पर ही काम करता है एसी पे नहीं करता सही बात है क्यों नहीं करता जब अभी पीएमएमसी पढ़ाऊंगा एक लेक्चर के बाद तो बहुत क्लियर हो जाएगा टॉर्क तो इक्वेशन जैसे ही मैं लाऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएगा आपको ठीक है बताऊंगा मैं वहां पर क्यों डीसी के लिए करता है एसी के लिए क्यों नहीं करता और क्यों उसको हम जब वाट मीटर के जैसे यूज नहीं कर सकते है? सब चीज मैं डिस्कस करूंगा डिटेलिंग में अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि ये नहीं वो बताइए मुझे मूविंग आयरन हो गया परमानेंट मैग्नेट हो गया पीएमएमसी अब तीसरा आता है डायनेमोमीटर डायनेमोमीटर को ईएमएमसी बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग क्वाइल वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल था ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग क्वाइल है दोनों में फर्क है जो पीएमएमसी का ड्रॉबैक था उसको आप डायनेमोमीटर में उसको दूर किए डायनेमोमीटर जो होता है वो ये भी इलेक्ट्रो डायनेमिक के इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और ये एसी डीसी दोनों के लिए काम में आता है पीएमएमसी केवल डीसी के लिए यूज हो रहा था इसलिए वो उसका ड्रॉबैक था <coughs> और दाए, सॉरी डायनेमोमीटर जो है वो एसी डीसी दोनों में यूज होता है क्या के लिए काम आता है एम मीटर मीटर और वाट मीटर बनाने के लिए इसको यूज किया जा सकता है ठीक इंडक्शन टाइप इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये कौन से इफेक्ट पे काम करता है तो ये इंडक्शन इफेक्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इंडक्शन जहां पे आता है वो केवल एसी पे काम करेगा और इंडक्शन टाइप को ए मीटर ओल्ट मीटर वाट मीटर और एनर्जी मीटर बनाने के लिए यूज किया जाता है इस प्रिंसिपल इफेक्ट को आ रहा है बात समझ में हॉट वायर ये थर्मल इफेक्ट हॉट वायर का मतलब थर्मल हॉट मतलब गर्म थर्मल मतलब हीट है ना उसी से रिलेटेड है तो हॉट वायर आपका थर्मल इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है और ये जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी और डीसी दोनों पे काम करता है और ए मीटर वोल्ट मीटर बनाने के लिए यूज किया जा सकता है उसके बाद इलेक्ट्रोलेटिक मीटर इलेक्ट्रोलेटिक मीटर जो होता है वो केमिकल इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और केमिकल इफेक्ट आया मतलब वहां पे केवल डीसी होगा केवल डीसी के लिए एप्लीकेशन होगा और एम्पियर आवर बनाने के लिए इसका हम लोग एम्पियर आवर मीटर बनाने के लिए चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलेटिक मीटर तो खाली अभी टेबल को मैं बता रहा हूं मोटा मोटा क्योंकि ये बेसिक क्लास है आज का इसलिए, इसलिए, इसलिए मैं मैं फंडामेंटल फंडामेंटल बात बात कर कर रहा रहा क्यों होता 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 है होता है है कैसे उस नहीं अभी खाली आपको एक जो क्वेश्चन ना वो सबको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ उसके बाद एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे कार्य करता है और ये एसी डीसी दोनों पे काम करता है और स्पेशली इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को ओल्ट मीटर बनाने के लिए यूज करते हो वोल्ट मीटर बनाने के लिए यूज करते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का यूज डीसी को मेजरमेंट करने के लिए आप वोल्ट मीटर के फॉर्म में यूज करते हो हाई वोल्टेज डीसी को मेजरमेंट करना है तो आप वोल्ट मीटर के जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो तो क्या ये बात यहां तक क्लियर हो रहा है आप लोग को जैसा पॉइंट समझ में आ रहा है तो अब आपको पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो होता है एसीडीसी दोनों पे काम करता है यस करेगा इंडक्शन एसीडीसी दोनों पे काम करता है क्या नहीं केवल एसी पे काम करता है पीएमएमसी एसीडीसी दोनों पे काम करता है क्या नहीं केवल एसी पे काम करता है ईएमएमसी बोलेगा डायनेमोमीटर बोलेगा तो यस एसीडीसी दोनों पे काम करता है मूविंग आयरन बोलेगा तो यस एसीडीसी दोनों पे काम करता है मूविंग आयरन पे कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट अप्लाई होता है बोलेगा तो डायनेमो ये ये इलेक्ट्रो डायनेमो डायनेमिक इफेक्ट का प्रिंसिपल अप्लाई होता है ये बोल देना आप आरे बात समझ में मूविंग आयरन में कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट जो है एप्लीकेबल होता है पूछेगा तो सर मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे सर किसी मैग्नेटिक फील्ड में दो आयरन के पीस को मूविंग आयरन एक फिक्स्ड आयरन एक मूविंग आयरन को रख दो दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन हुआ वही मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या यहां तक क्लियर क्लियर हो गया पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डीसी पर ही काम करता है वेरी गुड यस ये तो यही तो जानना है हम लोग को तो क्या ये जो पीडीएफ मैंने लगाया ये clear है ये क्लियर एकदम आप लोग को इसमें कोई डाउट होगा तो अभी तो इसमें क्या ही डाउट होगा यार मैं तो बस बता ही रहा हूं कैसा ऐसा होता है करके अभी कब और क्यों और कैसे वाला क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते ना क्योंकि बहुत फंडामेंटल की फंडामेंटल बातें कर रहा हूं मैं अभी रीजन तो नहीं बता रहा हूं कि डीसी पे ही होता है तो क्यों होता है उसके लिए बहुत डिटेलिंग करेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में तो समझ में आएगा राइट right? समझ में आ आगे यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए सभी को क्लियर हो गया यहां तक या सुनो सभी को यहां तक क्लियर हो गया अब आगे बढ़े चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है अब आगे बढ़ा जाए हाँ ये सारे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा सभी लोग अपने नोट्स में इसको लिख लेना फटाफट स्क्रीन शॉट लेकर कैसे भी करके अपने नोट्स में डालो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं अब आता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मैं इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो उसमें कौन कौन से टॉर्क की आवश्यकता होती है क्या क्या एसेंशियल टॉर्क होता है एसेंशियल टॉर्क ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में तीन प्रकार के टॉर्क की, की आवश्यकता होता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यदि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है कैसा इंस्ट्रूमेंट है यदि मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में तीन प्रकार की टॉर्क की जरूरत पड़ता है नीड होती है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से तीन प्रकार का टॉर्क की नीड होती है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में तीन प्रकार का टॉर्क की आवश्यकता होती है नीड होती है वो तीन प्रकार का टॉर्क कौन सा है पहला आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दूसरा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा आपका डैम्पिंग टॉर्क ठीक सर कंट्रोलिंग टॉर्क कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का कौन कौन से सर स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल सर डैम्पिंग टॉर्क कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार का कौन कौन सा सर एडिकेंट डिक्शन डैम्पिंग और फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या सर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का भी कोई प्रकार है नहीं उसका कोई प्रकार नहीं है तो तीन मेन एसेंशियल टॉर्क होता है आवश्यक टॉर्क होता है एक डिफ्लेक्टिंग एक कंट्रोलिंग एक डैम्पिंग। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसी भी पॉइंटर को स्केल में डिफ्लेक्ट कराता है कंट्रोलिंग टॉर्क आप पॉइंटर को कोई टॉर्क जो है डिफ्लेक्ट करा चुका है तो उसको किसी पर्टिकुलर जगह पे रोकना है फाइनल पोजिशन पे रोकना है तो आपको कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत पड़ेगा जो रोकेगा उसको तो एक कंट्रोलिंग टॉर्क अब इधर से डिफ्लेक्टिंग लगा इधर से कंट्रोलिंग लगा तो पॉइंटर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है टॉर्क लग रहा है तो ऐसे फाइनल पोजिशन पे ऑसिलेट करते रहता है तो उस ऑसिलेशन को डैम्प करने के लिए आपको डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है औ मंदक बोलते हो तो उसके लिए एडी एडिकरेंट डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग है तीन प्रकार का डैम्पिंग सिस्टम आप यूज करते हो तीन प्रकार का डैम्पिंग सिस्टम आप यूज करते हो अब इसी को हम लोग समझते हैं बेटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चलो कितने लोग जानते हो डिफ्लेक्टिंग ऑलरेडी आप लोग भाई प्रैक्टिस कर रहे हो और आप सभी बच्चे ऑलरेडी सब चीजें जानते हो इट्स अ प्रैक्टिस बैच तो खाली मुझे आप लोगों को रिवीजन कराना है और क्वेश्चन कराना है तो आज मैं कंप्लीटली थ्योरी लिया हूं इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं कल कराऊंगा आज ही दोनों पॉसिबल नहीं था राइट ना तो आज इस चैप्टर को पहले रिवीजन करा रहा हूं और कल के डेट में क्वेश्चन करा दूंगा या आप लोग बोलोगे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कराइए तो मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा उसमें तो मुझे और इजी पड़ेगा जल्दी हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट या आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग को ऐसी थोड़ा थोड़ा थ्योरी एक्सप्लेन करूं देन क्वेश्चन कराऊं तो भी आप लोग बताइए कैसा किस तरीके का आप लोग चाहते हो थोड़ा थोड़ा आप लोग को मैं थ्योरी बताऊं फिर क्वेश्चन कराऊं या ओनली क्वेश्चन करना चाहते हो क्या करना चाहते हो जल्दी बताइए सर जी थोड़ा फास्ट कराइए ना थ्योरी प्लस क्वेश्चन थ्योरी फास्ट वे में कराऊक बात है अरे आप लोग नोट बना रहे में थ्योरी करा देता आपको नोट्स वगैरह बना रहे हो करके जल्दी जल्दी मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ठीक है ना एकदम फास्ट वे में नहीं लेके तो तो ले, ले जा रहा हूँ आ रहा बात समझ में चलो ठीक है थोड़ा फास्ट करता हूँ थ्योरी रिविजन प्लस प्रैक्टिस ओके बेटा तो अभी मैं करा रहा हूं उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा है ना इन्हीं सारे टॉपिक से चलो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखो इसमें क्या क्या थ्योरी है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को दिस टॉर्क इज आल्सो नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का सबसे पहले हम लोग यहां पे एक दो पॉइंट लिख लेते हैं चलो ठीक है फर्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में फर्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूं इट इज द टॉर्क इट इज द टॉर्क दिच डिफ्लेक्ट द पॉइंटर विच डिफ्लेक्ट द पॉइंटर ऑन स्केल स्केल मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक ऐसा टॉर्क है जो पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराता है स्केल में मतलब ये वही टॉर्क है जो किसी पॉइंटर को स्केल में डिफ्लेक्ट कराने का काम करता है चलाने का काम करता है इसलिए हमने इसको क्या बोला इट इज द टॉर्क विच डिफ्लेक्ट पॉइंटर ऑन स्केल मतलब स्केल में जो पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराए उस टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं दूसरा पॉइंट बेटा दूसरा पॉइंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी बोलते हैं तो लिख लो दिस टॉर्क इज ऑल्सो नोनेस दिस टॉर्क इज ऑल्सो नोनेस दिस टॉर्क इज ऑल्सो नोन एस दिस टॉर्क इज ऑल्सो नोन एस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टॉर्क इस टॉर्क को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहते हैं क्यों कहते हैं बताओ क्योंकि क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली प्रोड्यूस करते हैं किसी भी क्वाइल कोई सप्लाई देते हो तभी तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होता है जैसे आपके मोटर में किसी करेंट कैरिंग क्वाइल को आपने रखा हुआ है मान लो सप्लाई दिया तो जब किसी क्वाइल को आप सप्लाई देते हो मोटर में तभी तो रोटर रोटेट करता है ना तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली प्रोड्यूस करते हो ना आप तो है हाँ ना तो हमने यहां पे बोल दिया कि हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उस टॉर्क को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी बोला जाता है ऐसा बोल सकते हो आप दिस टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ठीक है ना पूछा जाता है कौन सा टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहलाता है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तीसरा पॉइंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी टू बी मेजर्ड क्वांटिटी टू बी मेजर्ड क्वांटिटी टू बी मेजर्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी टू बी मेजर मतलब हम जिस क्वांटिटी को मेजरमेंट करना चाहते हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा जैसे कि जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी टू बी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर मतलब डिफ्लेक्टिंग का मैग्नीट्यूड कितना होगा जितने क्वांटिटी को हम मेजर करना चाहेंगे जैसे कि पांच एम्पियर करेंट को मेजर करना है तो पांच एम्पियर करेंट के अकॉर्डिंग टॉक बनेगा दस एम्पियर करेंट को मेजर करूंगा तो दस एम्पियर करेंट अकॉर्डिंग डिफ्लेक्टिंग टॉक बनेगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉक का जो मैग्नीट्यूड है या डिफ्लेक्टिंग टॉक कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी टू बी मेजर जिस क्वांटिटी को हम मेजरमेंट करना चाहते हैं वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना क्वांटिटी होगा उतना हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा क्या पॉइंट सभी को समझ में आ गया यस चौथा पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बाय यूजिंग एनी ऑफ द एनी वन ऑफ द प्रिंसिपल एनी वन ऑफ द प्रिंसिपल लाइक एनी वन ऑफ द प्रिंसिपल लाइक इनमें से कोई सभी एक प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या कर सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं एनी एनी वन वन ऑफ़ ऑफ़ प्रिंसिपल लाइक पहला फर्स्ट like, इफेक्ट आपने देखा इलेक्ट्रो डायनेमिक इफेक्ट आपने देखा इफ़ेक्ट तीसरा आपने यहां पे देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक

ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक इफेक्ट को ही यूज करके हम लोग टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं क्लियर हो गया क्लियर हो गया तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो फिर से एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूं देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है इट इज द टॉर्क विच डिफ्लेक्ट द पॉइंटर ऑन द स्केल यह वह टॉर्क है जो पॉइंटर को स्केल में डिफ्लेक्ट कराता है दूसरा दिस टॉर्क इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टॉर्क इस टॉर्क को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहते हैं तीसरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी टू बी मेजर जिस क्वांटिटी को आप मेजर करना चाहते हो उसी के प्रोपोर्शनल होता है चौथा पॉइंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द प्रिंसिपल लाइक मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट केमिकल इफेक्ट दुनिया भर का जितना इफेक्ट है उस सारे इफेक्ट को यूज करके इस प्रकार के टॉर्क को, को प्रोड्यूस किया जा सकता है यस ना चलो आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ठीक है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टॉर्क वह जो पॉइंटर को स्केल में डिफ्लेक्ट कराए रोटेट कराए उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं ठीक उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं और इस तरीके से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को दिखाना है तो ये हमारा स्केल हो गया ठीक है और यहां पे एक पॉइंटर दिखा दो ऐसे करके तो इसी को पॉइंटर में इस तरीके से डिफ्लेक्ट करा दे तो हम उसको क्या बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉक आगे बस समझ में उसके बाद होता है कंट्रोलिंग टॉक अब आपके पास कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ठीक है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करोगे इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करोगे तो क्या होगा ये बताओ आपका जो पॉइंटर है वो कहां जाके रुकेगा ये बताओ मान लो आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और आपने उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं किया तो आपका पॉइंटर जो है कहां जाके रुकेगा ये बताओ फटाफट बताओ सभी लोग पढ़ चुके हो तो यदि आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है आपने उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं किया तो पॉइंटर जो है वो कहां जाके रुकेगा जल्दी बताइए हाँ बाकी इफेक्ट को मैं बताऊंगा पवन कुमार मौर्य बाकी इफेक्ट को भी आपको मैं बताऊंगा ठीक है हाँ

कंट्रोलिंग टॉक की वैल्यू जीरो रहता है तो पॉइंटर जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे आकर के रुकेगा ओके इसको ध्यान देना सर कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है तो कंट्रोलिंग टॉर्क विच दिस इज द टॉर्क दिस इज द टॉर्क दिस इज द टॉर्क विच स्टॉप द पॉइंटर विच स्टॉप द पॉइंटर विच स्टॉप पॉइंटर एट एट फाइनल पोजिशन फाइनल पोजिशन दिस इज द टॉर्क विच स्टॉप द पॉइंटर एट फाइनल पोजिशन मतलब यह वह टॉर्क है जो पॉइंटर को स्टॉप करता है फाइनल पोजिशन पे क्या कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉक का अप्रोच करता है या डिफ्लेक्टिंग टॉक कंट्रोलिंग टॉक का अप्रोच करता है दो क्वेश्चन मेरे पास है डिफ्लेक्टिंग टॉक कंट्रोलिंग टॉक का अपोच करता है या कंट्रोलिंग टॉक डिफ्लेक्टिंग टॉक का अपोच करता है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए तो कंट्रोलिंग टॉर्क अपोज टू कंट्रोलिंग टॉर्क अपोज टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज करता है कैसे सर यदि यह कोई स्केल है और यहां पे इस तरीके से आपका क्या लग रहा हो इधर से आपका लग रहा हो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा हमेशा कंट्रोलिंग 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 टॉर्क 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 तो डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग का कंट्रोलिंग डिफ्लेक्टिंग का का अपोज अपोज नहीं करता करता है ऐसे आपको बोलना है अरे बात समझ में डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग का अपोज नहीं करता कंट्रोलिंग डिफ्लेक्टिंग का अपोज करता है ऐसा आपका स्टेटमेंट और ऐसा आपका शब्द होना चाहिए क्या आपको समझ में आ गया ठीक तो दिस इज द टॉर्क विच स्टॉप द पॉइंटर एट फाइनल पोजिशन कंट्रोलिंग टॉर्क ऑलवेज अपोज टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ठीक है इसके कारण जब दोनों तरफ से टॉर्क लगेगा तो पॉइंटर क्या हो जाएगा एक जगह पे रुक जाएगा ठीक पॉइंटर एक जगह पे रुक जाएगा तो कंट्रोलिंग टॉक डिफ्लेक्टिंग टॉक का अपोज करता है कंट्रोलिंग टॉक जो होता है कितने प्रकार का होता है तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है बेटा कंट्रोलिंग टॉर्क वो आपका दो प्रकार का होता है एक आपके पास होता है स्प्रिंग कंट्रोल एक आपके पास होता है स्प्रिंग कंट्रोल दूसरा आपके पास होता है ग्रेविटी कंट्रोल एक आपके पास होता है स्प्रिंग कंट्रोल दूसरा आपके पास होता है ग्रेविटी कंट्रोल तो स्प्रिंग और कंट्रोल स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल की ओर आगे चलें ठीक है ठीक फटाफट चलते हैं देखो स्प्रिंग दो प्रकार का होता है बच्चा स्प्रिंग दो प्रकार का होता है एक होता है स्पाइरल एक होता है हेलिकल अब इनमें से कौन से स्पाइरल है वो बताओ और कौन सा हेलिकल है वो बताओ पहला कौन सा है ये बताओ दूसरा कौन सा है ये बताओ हेलिकल कौन सा है हेलिकल स्ट्रक्चर ये आपका हेलिकल है ना इसको हम हेलिकल बोलते हैं फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं हेलिकल ये हेलिकल ये में है इसको हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं और इस तरीके का स्प्रिंग यूज करोगे तो इस तरीके के स्प्रिंग को क्या बोलते हैं स्पाइरल जल्दी बताओ फर्स्ट वाला जो है वो क्या है हेलिकल है हेलिकल, फर्स्ट वाला क्या है जल्दी बोलो फर्स्ट वाला स्पायरल है कि हेलिकल है फर्स्ट वाला स्पायरल है कि हेलिकल? जल्दी बोलो फर्स्ट जो है हेलिकल है सेकेंड स्पायरल है फटाफट बताओ सेकेंड जो है वो स्पायरल है ओके ये तो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो स्प्रिंग यूज होता है वो इस तरीके का स्पायरल स्प्रिंग यूज होता है जो कि फॉस्फर ब्रॉन्च का बना होता है जो हेयर स्प्रिंग होता है बाल से भी पतले होते हैं राइट right? ठीक तो अब आपका देखो स्प्रिंग कंट्रोल में दो स्प्रिंग लगा होता है तरीके का, एक स्प्रिंग जो है टाइट होता है और दूसरा स्प्रिंग जो है ढीला होता है स्प्रिंग का एक एक टर्मिनल जो होता है वो आपका इसको बोला जाता है क्या स्पिंडल इसको बोला जाता है स्पिंडल तो स्पिंडल से कनेक्टेड होता है और स्प्रिंग का दूसरा जो आपका पॉइंट होता है टर्मिनल होता है वो किसी आ, वहां से कनेक्ट होता है जैसे कि आप बोल सकते हो रिजिड बॉडी से एक फिक्स से आ रे बात समझ में अब जब ये स्पिंडल रोटेट करता है तो उसके साथ साथ एक स्प्रिंग जो है वो टाइट होता है और दूसरा स्प्रिंग ढीला होता है है ना तो जैसे कि देखना माना कि तुम्हारे पास कोई क्या है स्पिंडल है बेटा ये इस तरीके का समझिएगा काम कैसे करता है ये इस तरीके का समझिएगा ठीक है ये अब इसमें मान लो मैं कोई स्प्रिंग को यहां पे फिक्स कर दिया और ये जो है इस तरीके का मैं इसको यहां से ऐसे करके फिक्स कर देता हूं अब मुझे बताइए आप लोग कि यदि ये स्पिंडल जो है रोटेट करेगा तो पॉइंटर भी रोटेट करेगा और ये स्पिंडल ऐसे करके रोटेट करेगा तो स्प्रिंग भी टाइट होगा ना या फिर ये बताओ कि मान लो आपके पास कोई स्प्रिंग है उसको ऊपर और नीचे से ऐसे कंप्रेस करते हो स्प्रिंग को तो स्प्रिंग जो है आपके कंप्रेशन का अपोज करता है कि नहीं करता है ना मान लो तुम्हारे पास कोई स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को ऐसे ऊपर और नीचे से दबाओगे तो स्प्रिंग दबने का अपोज रहे कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना आप ऐसे करके दबा रहे हो वो हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और स्प्रिंग जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज कर है कि नहीं आप दबा रहे हो आप ताकत लगा रहे हो तो आपके ताकत का अपोज कर है कि नहीं कर है ना तो आप जो ताकत लगा रहे हो वो हो गया और स्प्रिंग नहीं दब रहा है वो वो उसका क्या तो तो इस तरीके से से जो है आप उसको दबाते हो तो वो दबने से रोकता है अपने आप को तो वो जो ताकत लगा रहा है आपका पोच कर रहा है आपके ताकत का कर रहा है वो क्या हुआ वो आपका हो गया कंट्रोलिंग टॉक तो वैसे स्प्रिंग है आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा रहे हो तो स्प्रिंग जो है उसी में

ठीक है हेयर स्प्रिंग यूज किया जाता है किस शेप में यूज करते हैं तो यहाँ पे हम इस तरीके का कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ये वाला स्पायरल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, हैं। तीसरा स्प्रिंग इस जो होता है वो आपका कंट्रोलिंग टॉक प्रोवाइड करता है और इसमें यह बता देते हैं कि कंट्रोलिंग टॉक हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉक का अपोच करता है और स्प्रिंग कंट्रोल में जो कंट्रोलिंग टॉक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है

कॉस्टली uh, होता है टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है और एजिंग इफेक्ट के कारण लूज हो जाता है ये तीन इसके ड्रॉबैक है बाकी इसके फायदे ये है कि स्प्रिंग कंट्रोल को कहीं भी यूज कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकते हो ये पोजिशन वगैरह पर डिपेंड नहीं करता किसी भी पोजिशन पे यूज कर लो अच्छे से काम करेगा अरे बात समझ में ये इसके फायदे हैं किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में यूज कर लो स्केल आपको लीनियर देगा किसी भी पोजीशन में यूज कर लो वर्टिकल पोजीशन पे हॉरिजेंटल पोजीशन पे कैसे भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है कहीं भी यूज कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ड्रॉबैक आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग जो जो होता है, होता है है का बना नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो स्प्रिंग को बनाने के लिए फॉस्फर ब्रॉन्ज जैसे मटेरियल का यूज किया जाता है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए क्या बात समझ में आया आप लोगों को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए एजिंग इफेक्ट क्या है जैसे जैसे उसका जो है एज बढ़ते जाएगा स्प्रिंग जो है प्रॉपरली काम नहीं करना ठीक है ना पुराना होते जाएगा स्प्रिंग वैसे वैसे वो ढीला हो जाएगा तो स्प्रिंग जब ढीला हो जाएगा एजिंग इफेक्ट के कारण तो प्रॉपर कंट्रोलिंग टॉक प्रोवाइड नहीं करेगा फिर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी कम हो जाएगा जिससे वो प्रॉपर एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएगा उसको बोला जाता है एजिंग इफेक्ट आ रहा बात समझ में ये सारे चीजें हैं तो एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल वही है कि स्प्रिंग कंट्रोल एक पेसिव सिस्टम है स्प्रिंग अपने आप में एक पेसिव सिस्टम है मतलब स्प्रिंग को काम करने के लिए कोई सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है है ना बिना सप्लाई दिए स्प्रिंग को बिना सप्लाई दिए आप काम करा सकते हो ये एक इसका फायदा है स्प्रिंग कंट्रोल जो होता है बहुत ही सिंपल और एक इफेक्टिव मेथड है ये इसका एडवांटेज है ठीक है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है रिलायबल होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है ये भी इसका एडवांटेज है स्प्रिंग कंट्रोल जो होता है बहुत ही सिंपल होता है इनएक्सपेंसिव होता है टू बिल्ड एंड मेंटेन मेंटेन मतलब इसको बनाना और करना बहुत ही सिंपल होता है राइट right? ये सारे एडवांटेज है स्प्रिंग कंट्रोल के और बहुत सारे एडवांटेज है कि जैसे इन दिस सिस्टम द पोजिशन ऑफ स्प्रिंग मतलब इसको हॉरिजेंटल में भी यूज कर लो वर्टिकल में भी यूज कर लो किसी भी पोजिशन पे आप यूज कर सकते हो ये भी इसके एडवांटेज है है ना दूसरी बात की स्प्रिंग कंट्रोल जो होता है उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है जिसके कारण स्केल जो होता है वो यूनिफॉर्म बन जाता है यह भी एक एडवांटेज है सातों पॉइंट ये बोल रहा है कि स्प्रिंग कंट्रोल कैन बी यूज टू अचीव वेरी प्रीसियस मूवमेंट एंड पोजिशनिंग ठीक है ये भी प्रीसियस मूवमेंट और पोजिशनिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हो ये भी एक एडवांटेज है ये बहुत ही इसको इजिली इंस्टॉल किया जा सकता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग कंट्रोल को बहुत ही इजिली इंस्टॉल किया जा सकता है तो यह काफी सिंपल है कंस्ट्रक्शन रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है दे आर टिपिकली लेस एक्सपेंसिव देन अदर टाइप ऑफ कंट्रोलर यदि अदर टाइप ऑफ कंट्रोलर के कंपेरिजन में हम बात करें तो ये कम खर्चीली वाले कंट्रोलिंग टॉक है इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है एजिंग इफेक्ट पड़ता है है ना चर का इफेक्ट पड़ता है एजिंग इफेक्ट होता है कॉस्टली होता है ये इसके डिसएडवांटेज है ठीक देखो वगैरह का इफेक्ट ये सब लिखे हैं है ना एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है ये सब है ठीक एक्यूरेसी इससे उसका डिक्रीज हो जाता है ये सारे इसके डिसएडवांटेज है ओके तो स्प्रिंग कंट्रोल आपको समझ में आ गया स्प्रिंग कंट्रोल में कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है बस इसको याद रखिएगा और स्प्रिंग जो यूज होता है उसका कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है तो न्यूटन मीटर पर रेडियन या पर डिग्री उसका यूनिट होता है क्या आप लोग को बात समझ में आ गया क्या इतना बात समझ में आ गया क्या इतना आप लोगों को समझ में आ गया क्लियर है यहां तक बात समझ में आ गया स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में चलो आगे बढ़े अब आता है आपके पास ग्रेविटी कंट्रोल ग्रेविटी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ये देखो ये एप्पल जो है ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है ये एप्पल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है मतलब ग्रेविटी इस एप्पल को नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रहा है ये अर्थ का जो ग्रेविटी है वो इस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसी कॉन्सेप्ट को हम ग्रेविटी कंट्रोल में यूज करेंगे अब ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है ध्यान से देखना है? इस प्रकार के कंट्रोल में आप कंट्रोलिंग टॉर्क जो है कैसे प्रोवाइड करते हो जैसे स्प्रिंग कंट्रोल में तो एकदम क्लियर है ना कि डिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टॉर्क के साथ स्प्रिंग को अटैच कर दो डिप्लेक्टिंग जो है इधर मूव कर रहा है पॉइंटर तो स्प्रिंग उसको इधर मूव करने से रोकेगा टाइट होगा है ना और जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो हो जाएगा तो आपके स्प्रिंग जो है वो ऑलरेडी क्या होगा ढीला होगा और वापस अपने जगह पे आ जाएगा ग्रेविटी में कैसे काम करता है देखो ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क जो है कैसे काम करता है तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब पॉइंटर आपका जीरो पोजीशन पे है यहां पे है पे पे है है पॉइंटर इस पोजीशन तो यहां पे एक बैलेंस वेट यूज किया जाता ठीक है. है देखो यहां पॉइंटर के साथ दो चीजें अटैच किया जाता है एक बैलेंस वेट लगाया जाता है और एक आपका यहां पे कंट्रोल वेट लगाया जाता है और ना मजेदार चीज यह है कि बैलेंस वेट और कंट्रोल वेट दोनों एक दूसरे से नाइनटी डिग्री में होना चाहिए परपेंडिकुलरली होना चाहिए सो दिस इज द बैलेंस वेट और ये आपके पास क्या है कंट्रोल वेट है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है बैलेंस वेट और कंट्रोल वेट के बीच में ठीक है तो अभी जब कोई रीडिंग नहीं ले रहा है इंस्ट्रूमेंट तो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे रहेगा बैलेंस वेट और ये यहाँ पे उसको बैलेंस करके रखेगा पॉइंटर जो है वो एक जगह पे बैलेंस रहेगा ये जो बैलेंस वेट है इस कंट्रोल वेट बैलेंस वेट और कंट्रोल वेट एक दूसरे को क्या करके रखेंगे अभी बैलेंस करके रखेंगे पॉइंटर अभी जीरो अब समझना मेरे बातों को मान लो ये कोई रीडिंग लेना स्टार्ट किया इसमें कोई टॉर्क लगा ठीक है अब इसमें कोई किया, तो ये भी आपका बैलेंस वेट है ये भी क्या करेगा यहां से थीटा डिग्री नीचे आएगा आएगा ना और ये भी आपके पास कंट्रोल वेट है वो भी थीटा डिग्री ही इधर जाएगा डायरेक्शन में क्योंकि सिंपल बात है

जो आपने वेट यूज किया है कंट्रोल वेट वो नीचे आना चाहेगा ऐसे करके क्योंकि किसी भी वेट को हवा में नहीं छोड़ सकते हवा में ऐसे लटकाओगे तो हमेशा नीचे की ओर ही जाएगा ऐसे तिरछा नहीं रहेगा मैं पेन को ऐसे हवा में से लटकाऊंगा तो ये नीचे की ओर ही जाएगा अपने वेट के कारण ऐसे इंक्लाइन नहीं होगा तो ये जो वेट है वो क्या होगा ये वेट जो है इस तरीके से नीचे आना चाहेगा ये नीचे आना चाहेगा ठीक है ना ये वेट है वो इस तरीके से ऐसे करके नीचे आना चाहेगा तो वो एक फोर्स के जैसे काम करेगा तो एक नीचे आना चाह रहा है और यहां से इसको यदि मैं कंपोनेंट में तोड़ दू इसको कंपोनेंट में तोड़ तो एक कंपोनेंट ये टूटा और यहां से ये एंगल बना रहा है कितना थीटा थीटा तो तो ये भी तो बना रहा है डिग्री तो देखो यहां से अब मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ू ये जो है एक फोर्स है मान लो वेट है एक कंपोनेंट इसमें टूटा और यहां से एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसमें टूटेगा देखो दोनों के बीच में 90 आ गया समझे मेरे बात को मान लीजिए यहां पे समझना ये तुम्हारे पास कोई वेट था इस तरीके का ये ऐसे करके वेट जो है ये जो वेट है W2 ये तो नीचे आना चाह रहा है ना देखो ध्यान से तो ये जो है एक इस वाले कंपोनेंट में टूटेगा और ये एक इसका परपेंडिकुलर इस कंपोनेंट में दोनों के बीच में नब्बे बनना चाहिए ठीक है एक इस वाले कंपोनेंट में टूटा एक इस वाले कंपोनेंट में टूटा अब बताइए ये वाला जो है यहां से कितना एंगल बना रहा है थीटा डिग्री तो ये इससे थीटा डिग्री बना रहा है माना कि ये वेट है और वेट एम इंटू जी होता है मास इंटू ग्रेविटी तो ये इससे थीटा डिग्री बना रहा है तो इसके साथ बनेगा वो मास मास ग्रेविटी ग्रेविटी थीटा थीटा और ये वाला बनेगा मास इन्टु ग्रेविटी इन्टु थीटा. बनेगा ना तो अब बताइए कि इसमें इस में, इस इस वाला देखो ये वाला क्या लगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा टॉर्क लगा इसी को तो बोला जाता है बच्चा कंट्रोलिंग टॉर्क सर इसको टॉर्क कब बोलेंगे अभी तो ये फोर्स है टॉर्क कब बोलेंगे जब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना कि यहां से लेकर किसका डिस्टेंस डी है तो इसमें फोर्स में उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा टॉर्क अभी ये फोर्स है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बन गया D का multiply कर मतलब का कर दिया ये मतलब से लेकर के तक है तो क्या बन गया? बन गया गया तो अब मुझे बताओ यार कि ये वाला जो है, ये वाला वाला जो जो बना ये तुम्हारा कंट्रोलिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज कर रहा है कि नहीं बताओ यदि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस पॉइंटर को इधर खींच रहा है तो ये वाला जो कंपोनेंट आया तुम्हारा वेट के कारण वो उसका अपोच किया कि नहीं ये वाला इसका अपोच किया कि नहीं किया ना जल्दी बोलो कितने लोग को समझ में आया ठीक बस ये लास्ट टॉपिक है फिर हम एंड कर देते हैं ठीक है बाकी कल पढ़ेंगे उसके बाद तो ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया जल्दी बोलो एक बार तो ये जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का पोच किया ना ये कंपोनेंट तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क हुआ कि नहीं ये डिफ्लेक्टिंग है कंट्रोलिंग टॉर्क यस कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का पोच किया।, किया ना आया बात समझ में ठीक है क्लियर आ गया तो ये जो कंपोनेंट आया इस वेट का दो कंपोनेंट आया एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये तो ये कंपोनेंट तो कोई काम का नहीं है ये कंपोनेंट खींच रहा है इसको ऐसे करके लेकिन ये तो यहां पे फिक्स है खिंचाया नहीं है ना तो इस कंपोनेंट का कोई काम नहीं है हाँ लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट आपके पास आ रहा है ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट का अपोज कर रहा है मतलब ये कंट्रोलिंग टॉर्क हुआ यह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुआ तो इस तरीके से जो वेट तुमने यूज किया था वो वेट का दो कंपोनेंट में ब्रेक हुआ एक इस वाले कंपोनेंट में और एक इस वाले कंपोनेंट में तो ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट का अपोज कर रहा है वही कंट्रोलिंग टॉर्क है और कुछ नहीं है सर टीडी एंड टीसी के बारे में थोड़ा बताइए टीडी और टीसी के बारे में तो टीडी तुम्हारे पास कौन सा टॉर्क हुआ बेटा यहां से टीडी जो हुआ इस वाले में लगने वाली टॉर्क है अब उसमें लग रहा है मतलब ये यहां पे ऐसे लग रहा है देखो ये टीडी हो गया और इसका इस इसके वेट के कारण एक कंपोनेंट ये आया एक कंपोनेंट ये आया तो ये कंपोनेंट जो है वो टीसी ये आपका टीसी है जो कि आपके पास एम क्या है एम जी साइन थीटा इंटू डी आ रहा है इंटू डी आ रहा है तो कुल मिला के यहां पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क आया वो क्या आ गया एम जी साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी और ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉक के बराबर होता है तो इसको बराबर कर दो एम जी साइन इंटू डी और यहीं से न्यूमेरिकल आ जाता है आपका यहीं से न्यूमेरिकल आता है निकालने के लिए बोल देता है समटाइम्स तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिवाइडेड थीटा बाकी मैं कल बता दूंगा आप इसके आगे मैं कल कर दूंगा ओके तो आज हम लोग इतना ही करते हैं बाकी मैं कल बता दूंगा आप ठीक है कल क्वेश्चन के साथ चीजों को मैं कनेक्ट कर दूंगा फिर हाँ तो यहीं से आपके पास क्या आ गया कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसमें क्या आ गया साइन थीटा आ गया फिर यही रिलेशनशिप आ गया और साइन थीटा आने के कारण स्केल जो है नॉन लिनियर हो गया तो कल कहानी पूरा बता दूंगा मैं क्लियर हाँ तो टीसी जो है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया बेटा यही सारी चीजें कल बता दूंगा ठीक है मैं ओके डन क्लियर है ना तो चलो फिर कल मिलते हैं आज के लिए इतना ही Thank you so much.